जिसके बाद संक्रमित हुए बच्चों को दोबारा डीप के माध्यम से दवा चढ़ाई गई। आज सभी का इलाज गांव में कैंप कर रहे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया। हालांकि डायरिया के प्रकोप से जूझ रहे गांव के लोगों में धैर्य और साहस देखने को मिल रहा है। वहीं गांव में 67 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें लगभग 58 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। यहाँ के गांव में बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉलरा से लोग प्रभावित हुए हैं। उसका मेन जो कारण है पानी का दूषित होना, जो नल जल योजना का जो पाइप लगा हुआ है उसमें जगह जगह से टूटा हुआ है और उसमें गंदा पानी चले जाने की वजह से वही लोग गांव के लोग पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की परिस्थिति बनी। और हम सभी गांव में लोगों को सबको प्रिकॉशन के तौर पे बताया गया है कि आप लोग सभी लोग पानी को गर्म करके उबाल करके उसको ठंडा करके तभी पिए और साफ सफाई का ध्यान रखें। सर लगभग अब तक कुल मिलाकर कितने पेशेंट के सामने आए हैं? कुल मिलाकर लगभग 100 से ज़्यादा। 100 से जी। और सर आप लोग की टीम कब कब से यहाँ पे एक्टिव है? यहाँ पे पिछले 2 दिन से।